फैसला ना, बारिश है ना, पानी आ रहा है। कुछ रुमाल है, कुछ नहीं है, चैन खोले, कुछ नहीं है, बोतल है, अरे कुछ नहीं है। दर्शन कैसे रहे नीज भैया? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अद्भुत नजारा है सच में, बहुत प्राचीन बोल नहीं पा रहे। हाँ, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि आज के ज़माने का हो, सब बहुत पुराना है और कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल या नमूना नहीं है, सब बहुत पुराना और अद्भुत, बहुत सुंदर। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, हमारी सवारी तैयार हो गई है, मैं और भैया दोनों जा रहे हैं हरिहर फोर्ट। हमने ऑटो ले लिया है त्र्यंबकेश्वर से, जो कि हमसे 1000 रुपये लेगा आने जाने के, छोड़ने के, क्योंकि वहाँ कोई साधन है नहीं, कुछ मिलता नहीं है, तो आपको अपने लिए रिजर्व एक ऑटो करना होता है। तो हम अभी दोनों निकल रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं भैया, क्या नाम आपका? राजू कदम। राजू कदम जी, राजू भैया हमारा साथ दे रहे हैं, वो हमें लेके जा रहे हैं हरिहर फोर्ट की तरफ। तो भैया अभी हरिहर फोर्ट जाते में क्या क्या पड़ेगा, रास्ता कुछ बताइए, कहाँ होके जाएंगे, कैसे जाएंगे? अभी जाके जाके साप गाँव लगेगा। गणपत बारी पड़ेगा, गणपति का मंदिर जी, गणपति जी का मंदिर। बाद में काचुरली लगेगा, काचुरली तले गाँव लगेगा, तले गाँव। अभी घाट चालू हो जाएगा आगे, फिर आगे से घाट चालू हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे जो भी घटेगा, जो भी आएगा, वो सब आपको दिखाएंगे और आप भी आनंद लीजिए इस सफर का। और हमारे साथ बोलिए हर हर महादेव। राजू भैया ने हमें हर्षेवाड़ी जगह पर छोड़ा है और यहीं से अभी हमारा ट्रैक शुरू होगा हरिहर फोर्ट का। वो सामने हरिहर फोर्ट है, शायद आपको दिखाई दे रहा हो, वही हरिहर फोर्ट है, वहाँ जाना है। 3 घंटे लगेंगे यहाँ से, तो अभी हम शुरू कर रहे हैं। राजू भाई जा रहे हैं, राजू भाई लौट के हमें लेंगे, मैं और नीरज भैया ट्रैक को शुरू करते हैं, हर हर महादेव। चलिए सफ़र को शुरू किया जाए। ठीक है राजू भाई, ओके करते हैं मुलाकात। ठीक है राजू भाई, ठीक है मेरे अर्जुन पंडित, अपनी बाजुओं को कस लो, जो तुम्हारी ताकत चर चर कर रही थी उसका इस्तेमाल करने का समय आ गया है। किले को फतह किया जाए। छोटा कर दूं? छोटा नहीं करो, क्या मैं फंस चुका हूँ आज तुम? क्या मैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं फंस चुका हूँ? आप फंस चुके हो। मैन वर्सेस वाइल्ड, राजू भाई गए, राजू भाई गए, राजू भाई टेम्पू गया है यार। नीरज भाई मैन वर्सेस वाइल्ड नहीं देखते क्या? आज आप फंस चुके हो और इस ऐसे स्थान पर आपको कैसे जीवन मिलेगा ये आपको अब खुद तय करना होगा, घर वालों से दूर नहीं या नेटवर्क नहीं। ये ऑटो और गाड़ी की सर्विस यहीं तक है, इसके बाद में पैदल ट्रैक करना होता है। मौसम मानसून अभी लगभग एंड हो गया है, लेकिन ये देखिए एक धारा आ रही है ऊपर से, पूरी वो ऊपर से वहाँ से कोई एक धारा आ रही है छोटी सी, और ये चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ हरियाली। मैं आपको बता दूं, नासिक से हम करीब 35-40 किलोमीटर हैं, 30 किलोमीटर त्र्यंबकेश्वर महादेव और उसके बाद में करीब 16 किलोमीटर यहाँ ऊपर आए अभी, और अभी हमने ट्रैक शुरू कर दिया है अपना। चेक पोस्ट आ रहा है, चेक पोस्ट से हम इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे हरिहर फोर्ट के लिए। प्रति व्यक्ति 30 रुपीस लोगों का। कितने रुपए देना? 30 पर पर्सन। निसर्ग पर्यटन स्थल हरिहर किला, हरिहर गढ़ आवर जायचे। आप अपने व्हीकल से आते हो तो ये पार्किंग है, यहाँ गाड़ी पार्क करके आप आगे की यात्रा शुरू कर सकते हो, 2-व्हीलर 4-व्हीलर जिससे भी आप आते हो, यहाँ पार्क करके इससे आगे आप अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते।
ट्रैक की शुरुआत में हमारी मुलाकात हुई महाराष्ट्र के तीन बंदों से। जी हाँ, वो ट्रैकिंग का बहुत शौक़ रखते थे। अभी हमारे साथ जो अंकल जा रहे हैं वो भी महाराष्ट्र से ही हैं, उन्हीं तीन बंदों में से एक, जिनकी एज 63 साल है। जी हाँ, 63 ईयर्स। अंकल के बेटे और भतीजे भी उनके साथ इस ट्रैक पर आए हुए थे, जो कि ट्रैकिंग में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। तो फिर शुरुआत हुई हमारी दोस्ती की और हम सब ने मिलकर इस ट्रैक को आगे जिया और पूरा किया। पानी लीजिए। बड़ा वाला काट लेता है, दोनों निकल, छोटा वाला नहीं काटता है, बड़ा वाला काटने वाला नहीं है उसका। वो भी ऐसा पकड़ने का। हाँ, ऐसा पकड़ने का। ये अभी ना मानसून बारिश हो रही है, उसकी वजह से बहुत सारे अभी दिखाई देंगे ना। बारिश वारिश हो रही थी, बाकी पानी खत्म हो गया था, वो साल भर अंदर ही रहता है। बिना पानी का, बिना पानी के अंदर ही रहेगा। हाँ, साल भर। ये शानदार। अरे भाऊ, स्वागत के लिए इतने फूल डलवाए मैंने। आओ, चलो यहाँ एक दुकान शॉप मिली, मैगी और भुट्टा सब मिलेगा इधर, सब मिलेगा। छल्ली बोलते हैं नोएडा दिल्ली में से। भुट्टा ज्यादा बोलते हैं उधर ना, भुट्टा भी बोलते हैं, और ये जो बॉइल्ड है छल्ली बोलते हैं ना।
ये पहुंच चुके हम उन फेमस सीढ़ियों पर, ये 80-90 degree इंक्लाइंड सीढ़ियों पर चलना है अभी। बैक कडेच बघून ते, बाकी काय नाही। हे रुमाल रुमाल कोलेगा ना हेंगी अरे ये देखिए काय नाही हे रुमाल काय घडते आहे यार नको रे ये नाही नाही नका पप्पा थांबा घाई नका सावधानी से आए बंदरों से। जय हर हर महादेव। कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है। चलो 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 चले 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 रुमाल है रुमाल रुमाल है कुछ नहीं है। चलो चले चले मैं रुमाल है कुछ नहीं है। चैन खोले पानी बोतल तक ले कुछ नहीं है बोतल है। अरे 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 खाली ट्यूब में चला अरे खाली ट्यूब अरे अरे हट हट अरे कुछ नहीं है कुछ नहीं है इला ना काय नहीं है चल। ग्रिप दी हुई है सीढ़ी में बस उसको पकड़ते हुए आगे बढ़ना है इस ग्रिप के सपोर्ट से। फिसलन है बारिश है ना पानी नीचे देखने की हिम्मत नहीं हो रही बहुत ज्यादा खड़ी चढ़ाई है। एडवेंचर भरपूर। चलिए हर हर महादेव हर हर महादेव की जय। हर हर कभी अकेले ना आए हाँ क्योंकि बंदरों यहाँ जो बंदर है वो सामान आपका सब छीनते हैं तो दिक्कत हो सकती है हाँ खाने पीने का बहुत ज़्यादा। महादेव का नाम लेके चढ़ते जाना है। हर हर महादेव 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 हर महादेव। हरिहर फोर्ट की ऐतिहासिक सीढ़ियों पर हम चढ़ाई कर रहे हैं अभी। आप देख रहे हैं मानसून में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है बारिश होने की वजह से थोड़ा रिस्की रहता है बट एडवेंचर के शौकीन के लिए कुछ भी नहीं बस नाम लो महादेव का और चढ़ते जाओ। हर हर महादेव लगभग पहुंच चुके हैं। हर हर महादेव
हर हर महादेव। बस लगभग पहुंच गए, आ गए। देखिए आप नीचे कितना कितना नीचा है, एकदम खतरनाक, लेकिन रोमांच से भरपूर। हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। देखिए कितने इधर फिसलने का ही है। हर हर महादेव। देखिए बंदर है यहाँ अभी, बट हम बैग नहीं लाए, बैग छोड़ दिए हमने पीछे, इसलिए थोड़े अभी बचे हुए हैं हम। लेकिन जो बैग लाता है उसके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ये लोग आ रहे हैं नीचे से। हर हर महादेव। देखिए क्या नज़ारा है, अद्भुत नज़ारा है। ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया, ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। हर हर महादेव का नाम लेके हम एंटर हो गए हैं ऐतिहासिक किले के गेट पर। उसका हर हर महादेव। ये देखिए यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहे ये लोग। ये देखिए नज़ारा है यहाँ से, अद्भुत नज़ारा, बहुत खूब। बस इस चट्टान के सारे सारे चलना है हमको। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए नजारा बहुत ही कल्पनीय, बहुत ही अद्भुत। हर हर महादेव। एक पैच वही खड़ी चढ़ाई, और ये ग्रिप सीढ़ियों में दी हुई है, इसे पकड़ते हुए और एक हाथ में कैमरा दिखाना भी है कुछ। हर हर महादेव। बिल्कुल 90 डिग्री। काठी जाना टाकून रे बाबा वरती एकदम जा वर। हर हर महादेव। फाइनली वी आर ऑन टॉप, और हम हरिहर के फोर्ट के टॉप पर हैं, और बहुत ही शानदार नज़ारा है।
अंकल कैसा एक्सपीरियंस रहा? बढ़िया। आपने जो किया काबिले तारीफ है अंकल, 62 के हैं फिर भी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सब खंडर हो चुका है, सब खत्म हो चुका है, सब डिमोलिश हो गया, खत्म हो गया। बस वो जो झंडा लगाया जा, ध्वजा दिखाई दे रही है उसके ऊपर, ध्वजा दिखाई दे रही है, बस वही एक पार्ट बचा इसके लिए का। हर हर महादेव, बहुत सुंदर, ये कितने खूबसूरत फूल है, मानसून ने बरसात ने चार चांद लगा दिया इस घाटी को, चारों तरफ हरियाली और रंग बिरंगे। देश के अंदर इंडिया में बहुत से किले हैं, ऐतिहासिक इमारत हैं, वीरों की भूमि है, एक से एक किला, अद्भुत किला यहाँ देखने को मिलेगा। और आप लोगों का प्यार मिला मिलता रहा और भी रोमांचक जगहों पर और ऐतिहासिक जगहों के आपको दर्शन कराऊंगा, उनके बारे में विस्तारपूर्वक सारी जानकारियाँ दूंगा। और वो आप देख रहे हैं सामने, वो जो चोटी है ब्रह्मगिरी पर्वत है, त्र्यंबकेश्वर से 4-5 किलोमीटर का ट्रैक है ऊपर, वहीं से गोदावरी का उद्गम स्थल, गोदावरी को साउथ की गंगा भी बोला जाता है, गौमुख बोलते हैं ब्रह्मगिरी पर्वत को, वहीं से गोदावरी उद्गम हुई है, निकली हैं त्र्यंबकेश्वर से। 5-6 किलोमीटर का ट्रैक है, आप कर सकते हैं आप त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो एक प्रमुख लिंग ज्योतिर्लिंग है, उनके दर्शन करने अगर आप आते हो तो आपके लिए ये सबसे नज़दीक रहेगा। अगर एडवेंचर के शौकीन है ये ट्रैक सबसे नज़दीक रहेगा, ब्रह्मगिरी पर्वत दर्शन भी करेंगे वहाँ आप, वहाँ वो स्थान उद्गम स्थल भी है गोदावरी का, साथ ही वहाँ पर वो जगह है जहाँ पर शिव जी ने अपनी जटाएँ खोली हैं, जटाएँ खुलने से उस वहाँ उनकी जटाओं के निशान भी पत्थर के ऊपर साफ देखे जा सकते हैं। तो बहुत ही अद्भुत ट्रैक है, वो भी कर सकते हैं आप, और उसी के नज़दीक में ये हरिहर फोर्ट, ये सब देखिए उसी समय की कुंड है पत्थर के बने हुए, और इसमें आप देख सकते हैं मछलियाँ हैं छोटी छोटी। देखिए कितने मोटे पत्थर से बनाया हुआ, बारिश पड़ने से काई इस पर लगी हुई है, काला पड़ गया है पत्थर, और ये एक अवशेष है जो रह गया इसके लिए का, ये कुंड बने हुए हैं। देखिए वो ब्रह्मगिरी पर्वत, गोदावरी का उद्गम स्थल गौमुख वहीं है, वो देखिए वो ट्रैक है त्र्यंबकेश्वर, अगर आप आते तो वहाँ से 4-5-6 किलोमीटर ऊपर आप ट्रैक करके उद्गम स्थल गोदावरी के जा सकते हैं, गौमुख के दर्शन कर सकते हैं, बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही अद्भुत नज़ारा। मैं इसको दिखाता हूँ, है क्या ये? हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिलहाल 10 में कुछ नहीं है, लोगों के दिमाग में ये आता है इस किले को बनाने के लिए पत्थर कहाँ से आए होंगे, तो मैं बता दूँ ऐसे जो भी कुंड पड़े हैं
की खुदाई करी गई, पत्थर निकाला गया और उसे शेप देके यहाँ किला बनाया गया था। ऐसे बहुत से कुंड हैं, काफ़ी गहरे हैं, अब इतने गहरे नहीं रहे, पहले रहे होंगे। यहीं से पत्थर को निकाल के किला बनाया और उसको पानी को स्टोर करने के लिए रखा गया। बहुत ही अच्छा। ये ना, ये अभी थोड़ा सा रफ है इसकी, वही ना। अच्छा, ये रैबिट खाता है, बुरांडी महाराष्ट्र में बोलते हैं इसे, और इसको पीस के लगाने से भैया के अभी चोट लगी हुई है, तो वहाँ लगाएंगे तो घाव में थोड़ा आराम मिलेगा। ये वनस्पति गंतुरी दिसली ना तरी लावायची आहे कुंदन, गंतुरी कुठे दिसली ना ती याच्या याला लावा, जास्त पाणी नाही जाणार, नाही पाणी नाही, नाही नाही निकलेगा। ऐसी कई वनस्पतियां पीस के आदमी नहीं पानी मिलता है तो दो दो बूंद डाल डाल भी लेता, उससे आराम मिलता है। ये देखिए यहाँ थोड़ा सा जलन होगा शायद ना। रुमाल बांध, चोट का इलाज भी इन वनस्पतियों में छुपा हुआ है। बहुत सी वनस्पतियां ऐसी हैं जहाँ कई रोगों का इलाज पता होना चाहिए। से ग्रिप भी करनी पड़ रही है तो बहुत संभल के चलना पड़ रहा है। ये देखिए एकदम बहुत। हर हर महादेव, चढ़ना जितना कठिन है उससे ज्यादा उतरना। ये जा सिम सिम, अब ये देख, ये द्वार है शायद बाद में लगाया गया है। मंच का नेक्स्ट लेवल, अगला सफर। ये द्वार है जिसे दिखाया मैंने आपको, और ये है वो सीढ़ियाँ जिससे हम आए थे। करना है तो आगे बड़ा तो मैं आपको दिखाता हूँ। बने रहिए सफर में, बोलिए मेरे साथ हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभो कृपा सब पे बनी रहे, जग करता जग करता जग पालन करता शिव शंभू तेरी जय, तेरी जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बंदर बंदरों के साथ में रहे बहुत ग्राइंड कर रहे हैं। हाँ, यही
भगवान। जय माँ हड्डा। भाई बैग बैग लेकर मत आओ, बंदर है इधर, खाने पीने का वो छीनेगा बैग से, फिर भी वो बैग में हाथ डालता है। ये हर हर महादेव। हर हर महादेव। फाइनली मैं तो नीचे आ गया हूँ इस ऐतिहासिक किले से, इसको फतेह करके, इसको जी के, इसको एंजॉय करके। बहुत ही रोमांचक सफ़र रहा हरिहर फोर्ट का, वाकई बहुत मज़ा आया। और जितना एडवेंचर और रोमांच था उतना ही खूबसूरत ये प्राकृतिक नज़ारा, अद्भुत अद्भुत। आने का मन नहीं था, मन कर रहा था यहाँ और देर रुकें, लेकिन क्या करें, बरसात आना शुरू हो गई, बादलों ने चारों तरफ से घेर लिया। क्या एंगल बताइएगा, लान बाड़ा ला देता तू। क्या है एंगल, काय नाव है सर? मुरुड शेन। मुरुड मुरुड आपले पोटा दुखता ना, मुरड पर किस लिए अंकल काम आता है? पेट में दर्द होता है ना। अच्छा, वो पत्थर रहता है किसने का। अच्छा, पैर के चटाते हैं। अच्छा, ये वनस्पति है, पेट में दर्द होने पे घिस के से चाटते हैं। सांदे वाता असला ना। और ये अंकल जॉइंट में दर्द, जॉइंट पेन। अच्छा, ये सारी वनस्पति है, ये जॉइंट पेन में काम करता है। क्या बोलते हैं इसे, इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसे, क्या क्या नाम, क्या इसका? ये खास या हरसांदी। हरसांदी जोड़ी संगता ने हरसांदी। और ये जड़ है, ये तो क्या है, ये क्या है? मूल है। सुन भुकवार थे मानुस पकड़ जेवा तो जस्ती ना शेखता वाड़ थी असा है। क्या गल, किस लिए काम आता है? ताकत, शारीरिक ताकत, स्टैमिना में बढ़ाने के लिए। अच्छा, ये दमा साटी आए। अच्छा, ये क्या चीज है? ये सब्जी है। ये सब्जी है, मोर बोलते हैं इसको। क्या? चाईचा मोर। चाईचा मोर। अच्छा, ये सब्जी है, ये सब्जी बनती है। सब ये जंगल की है, सब जड़ी बूटियां वही सब्जी। चलिए, ये 12 महीना पानी में जिंदा रहता है ये वाली, ये वनस्पति। ठीक, बरसात में रिस्की तो है, लेकिन ये सब इतना ब्यूटी देखने नहीं मिलेगी। नेचर देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। हाँ अंकल, ये अगर हम और सीजन आते तो शायद इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन चार चांद लगा दिए बरसात ने, बहुत खूबसूरत।
जितना कठिन चढ़ना था उससे ज्यादा कठिन उतरना है। बारिश होने के बाद में भैया चिकनी मिट्टी है ना ये। अरे मुझे कठिन काम पसंद है, इसलिए मैं कर रहा हूँ उतरने का। फाइनली हम सब ने ट्रैक कंप्लीट कर दिया, काफ़ी मज़ेदार रहा। स्पेशली मैं अंकल के लिए बोलूँगा कि वाकई काबिल तारीफ, 62 की एज होने के बाद भी उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रैक पूरा किया। भैया की मांसपेशियाँ खिंच गई, वो नहीं कर पाए, बट अगली बार। और सबके लिए थैंक यू ब्रदर। और आपके आपने भी बहुत हेल्प की हमें। नहीं नहीं, एक दूसरे का सहारा चाहिए होता है ऐसे सफ़र पर, तो हमें सहारा मिला इनसे और इनको हमसे, तो बहुत अच्छा रहा। आगे भी ऐसी आपको मैं यात्राएं कराता रहूँगा। जो भी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और जो भी पहली बार विज़िट कर रहे हैं चैनल पर उसे सब्सक्राइब कर लें। और अगली मुलाकात होगी हमारे खूबसूरत अगले सफ़र पर, तब तक के लिए नमस्कार।